सुप्रीम कोर्ट को कटकणा सत्वे राति तमाम दिल्ली में प्रबल बाण फुटिला। सब कटकणा को उल्लंघन कर लोके बाण फुटाइले। आगुर प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में पहुंची दिल्ली एवं वायुमंडल आहुरी बाण धूआर विष वर्तमान मिसी जा फल प्रदूषण स्थिति गंभीर हो जाए। वायुरे पीएम 2.5 कणिकार स्तर 900 छुंची। यह धार्य सीमा ठू 15 गुणा अधिक जहां स्वास्थ्य पक्ष अत्यंत क्षतिकारक। दिल्लीर एक्यूआई 400 छुंची। राति 8टा बेलू दिल्लीर अनेक स्थान में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर छुई सारी सारा राति बाण फुटुवर यह स्तर आहुरी विपज्जनक स्तर को छुंला। दिल्ली में बाण फुटा उपर रोक लगवाई विभिन्न पदक्षेप निया। कटकणा लागू करने 377 टीम बनाया किंतु ए सबको खातिर कर दिल्लीवासी। केवल दिल्ली नुहे सारा देशर अनेक शहर में वायु प्रदूषण स्तर बढ़ी जाइछि। चेन्नई महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लोके भरपूर बाण फुटाई फलस्वरूप वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंची जाइछि। सवाल ये है कि उन पटाखों से प्रदूषण नहीं बढ़ता। प्रदूषण जिन चीज़ों से बढ़ता है वो सरकार को भी पता है। ये फरारी जल रही है, फैक्ट्रियाँ अनऑथराइज फैक्ट्रियाँ चल रही है, ये उसका धुआँ है। और धुआँ तो कंट्रोल करना चाहिए सरकार। सरकार किसे कहते हैं? राजा कौन होता है? प्रजा के अगर जनता करने वाला राजा नहीं होगा तो ऐसी जनता राजा का क्या मतलब है? दिल्ली की जनता के लिए प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल बारिश होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, कुछ केमिकल छूटना चाहिए जिससे कि दिल्ली की जनता को राहत मिले। दिल्ली की जनता प्रदूषण, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको राहत मिले, कैसे राहत मिले ये दिल्ली की जनता ने सोचना चाहिए।